अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन एक्ट में तरामीम पार्लियामेंट में पास हो चुकी हैं। नेशनल असम्बली के बाद बड़ी जल्दी सेनेट से भी बिल पास करवा दिया गया है। अब सदर के साइन रहते हैं, वो भी हो जाएंगे, फिर एक्ट बन जाएगा। जो उजलत है उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जल्दी से कोई पैगाम देना चाह रही है या कोई और काम जो है वो होने जा रहा है, लेकिन अब अगली बारी जो सरप्राइज़ की है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। इधर से तो चलें, अब इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्ड दिखा लिया, शो कर लिया, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कोई डेवलपमेंट होती है आज या कल। ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से भी मूव होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने इस तरह खड़े हो गए हैं कि भाई क्लैश शुरू हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन कमज़ोर इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट में एक जो धड़ा है, चाहे वो थोड़ा ही सही लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट धड़ा है, वो हुकूमत की गुडबुक में और हुकूमत और वो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, और जो मेजॉरिटी है चाहे जो भी, वो उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन वो जो है वो उनकी उस तरह अथॉरिटी जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट यूनाइट नहीं होगी। और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है और इनकी जो इंटरनल लड़ाइयाँ होती हैं जजेस की, ये एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अफसोसनाक। लेकिन मैंने जो देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के क्लैश चले हैं, इन्होंने क्योंकि एजेंडाज भी रहे हैं जजेस के, कोई जज जो है वो नून लीग को निकालने में और पीटीआई को लाने में रहा है, कोई पीटीआई को निकालने में और इस नून लीग को लाने में या इस सिस्टम को चलाने में रहा है। तो जब एजेंडा ड्रिवन सूरत हाल होगी तो फिर यही होगा, फिर बैरूनी जो है वो एक लाइन और लेंथ एक ही होती है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। अदलिया सबसे ज़्यादा मजबूत अगर आप देखें तो वो 2009 से 13 के दरमियान रही, और उसकी वजह एक लीडरशिप थी। इफ्तिखार चौधरी जो थे उनकी लीडरशिप जो थी उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन मजबूत था। उन इफ्तिखार चौधरी साहब की पॉलिसियों से तो आप हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं ना कि वो उन्होंने जिस तरीके से चलाई, और बल्कि अपने इंस्टीट्यूशन को तो चले उनका मजबूत हो गया, वो खुद बहुत मजबूत हुए, लेकिन दूसरे जो सिविलियन इदारे हैं वो तो कमज़ोर हुई है, सियासी जमातें कमज़ोर हुई, पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, और उस वक्त 2009 में एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी कमज़ोर थी, मुशरफ जो है वो उनको निकाला गया था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो पोलिटिकल सिस्टम को मजबूत करेंगे। उन्होंने पैरेलल एक सिस्टम चलाया, और वो और उस वक्त जनरल कियानी, और जिस तरीके से सियासतदानों को नायल किया गया, घर भेजा गया, तो बहुत ही अफसोसनाक टाइम था वो। तो मैं क्योंकि उस वक्त जर्नलिज्म स्टार्ट की थी 2009 से सुप्रीम कोर्ट ने, 2009 से 13 के दरमियान कोई दिन नहीं था जिस दिन जो वो हुकूमत कटहरे में नहीं खड़ी होती थी, और हर किस्म के मामलात, कभी क्या हो रहा है, और नाम क्या होता था, करप्शन एक नैरेटिव होता था, और उस बुनियाद पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई नोटिस ले रही है। जब उनका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से कोई थोड़ी नाराज़गी बनी इफ्तिखार चौधरी साहब की, तो उन्होंने मलिक रियाज को आगे कर दिया अरसलान केस में। तो अरसलान केस में क्योंकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी मजबूत थे, उनको ज़्यादा नहीं लेकिन उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी अंडरमाइन हुई जब अरसलान केस को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, फिर जब आदत ख्वाजा और खिलजी आरिफ हुसैन से कुटल दी या जो भी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको काफ़ी यानी कमज़ोर कर दिया था। उसके बाद नासुर मुल्क आए, उनकी एजेंडा नहीं था, उनका कोई एजेंडा नहीं था, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई। शायद ऐसे ही चीफ जस्टिस की ज़रूरत हो जो जिसका एजेंडा ना हो, जो किसी का हम ख्याल या ना हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का हम ख्याल ना हो, ना पीटीआई, नून लीग ना हो। तो नासुर मुल्क साहब का जो टाइम था वो बहुत अच्छा इस वजह से था कि उनका एजेंडा नहीं था, हालाँकि वो कई जगह वो जो है वो हम देखते हैं कि वो रह गए मिनॉरिटी में, लेकिन उनका एजेंडा नहीं था तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी। मैंने देखा कि वो उनकी अक्रॉस द बोर्ड वकीलों में ग्रुप बंदी नहीं थी, चीफ जस्टिस की हद तक तो सारे ही मुतफिक थे कि चीफ जस्टिस जो हैं वो ठीक हैं, उनके कोई एजेंडा नहीं। मामला शुरू होते हैं पनामा के बाद, जब साकिब निसार साहब का आखिरी साल शुरू होता है,
तो वो एक जब एजेंडा हिस्सा बनते हैं कि भाई नून लीग को भेजना है नवाज शरीफ के बाद, नून लीग को कमज़ोर करना है, उस वक्त हुकूमत थी, पीटीआई को लाना है, तो उस पूरे सिस्टम में वो और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक मिले पेज पे और वो चीज़ें चलती गई। और वो फिर ये हुआ कि नून लीग ने एक ये किया कि वो उस वक्त सारे जजेस को फंड कर दिया। जब उन जजेस को फंड किया तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो जज भी आगे से उन्होंने रिस्पांस दिया। फिर जो है उन्होंने भी ठीक ठाक जो है वो अपना अपना जो भी जो कर सकते थे वो किया। लेकिन नून लीग का जो जजेस के ख़िलाफ़ होता है ना, कि हालांकि जब नास साकिब निसार कोई जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो सब ने कहा जी कि ये और नून लीग ने कि अपना बंदा आ रहा है जी, अपने बंदे ने फिर जो किया वो सब। लेकिन जब नून लीग ने आगे से के जी दबाव में डालने की, उनको एक नैरेटिव तो बन गया क्यों निकाला वहाँ, उसको प्रोड्यूकरी उनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन ये भी हुआ कि उनको मुश्किलात भी हुई। आसिफ सईद खोसा हो साकिब निसार के बाद वो चीफ जस्टिस बने, फिर गुलजार अहमद बने, उमर अताब बंजाल बने, तो नून लीग को मुश्किलात ही रही। अब बहुत से लोग कहते हैं जी वो नो कॉन्फिडेंस जो है कासिम सूरी वाले मामले में उमर अताब बंजाल साहब ने बड़ा रोक। देखिए वो एक इतनी ग्लेरिंग किस्म का मामला था कि और उस वक्त सबको पता है कि जनरल बाजवा क्या चाह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी देखा करें ना कि उस वक्त तो क्या वो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रोलिंग जो सेट साइड की, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तकरीबन एक पेज पे आ गई थी, यूनाइट हो गई थी। लेकिन जो रिएक्शन आया लोगों में, तो क्योंकि ये कैंप जो था बंदयाल साहब का वो बेसिकली प्रो पीटीआई था पनामा से, इन्होंने 63A की जजमेंट दे दी और 63A की बाद कासिम दोस्त मजारी की रूलिंग और हम ख्याल जजेस को बेंच में बिठा के जो है वो उमर अता बंजाल ने इस तरह से किया। और फिर ये भी डर था दूसरे जजेस को कि जी काजी फैसल साहब को बचाना है, उनको चीफ जस्टिस बनाना है, पता नहीं भाई उनकी एक मंजिल थी जजेस की जैसे मंसूर अली शाह और लोगों की कि भाई काजी फैसल इन हालात में सिक्योर रहे। तो हम देखते हैं कि उमर अता बंदयाल का टिल्ट जब उस कैंप का पीटीआई की तरफ बढ़ा तो पीडीएम की पेंट्रेशन बढ़ी और बार के ज़रिए वो एक सेक्शन सुप्रीम कोर्ट के धड़े के करीब हो गए। तो हम देखते हैं 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात होने का मामला है उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें उमर अता बंदयाल साहब को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी, और इसी वजह से जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पहले आधे जज ने कहा लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करने दे, फिर सुप्रीम कोर्ट। उसका ये हुआ कि बैरूनी जब अवामिल पे इन्हिसार आया तो वो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर ही, जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं। लेकिन उससे पहले काजी फैसल को निकालने के लिए भी तो बैरूनी हाथ इस्तेमाल किए गए। जनरल बाजवा ने खुद स्टेटमेंट दी कि हमें अंदर से मैसेज आते थे कि कब रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, कब काजी फैसल को निकालने के लिए, तो उस वक्त बैरूनी इमदाद उन्होंने ली तो बाद में इधर भी ली। तो जब उमर अता बंदयाल साहब का टाइम था तो काजी साहब की कुर्बत हुई ज़्यादा या जो भी, उनका नोटिफिकेशन भी जल्दी हो गया। लेकिन जो भी हो हम सारी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो कोई एजेंडा नहीं होगा, ना वो एंटी पीटीआई होंगे ना प्रो पीटीआई होंगे, और एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट उनके दौर में बनेगी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनेगा जिसमें इन्फ्लुएंस किसी का नहीं होगा, वो किसी साइड पे भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फैसल की जो सबसे बड़ा फेलियर ये था कि वो इस तस्वुर को जायल करने में नाकाम रहे कि वो जो है वो एंटी पीटीआई जज है, बल्कि वो मजीद तकवीत देते रहे 9 मई के वाले से स्टेटमेंट दे के, कभी जब भी कोई मामला आया तो ना पीटीआई वाले पीछे हटे ना वो हटे, और उनके मामला खराब ही खराब तर होते गए। और ये हुआ कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का क्लैश था, कैंप था, तो जो पीटीआई के मुहालिफ था वो इस्टेब्लिशमेंट का हामी था, और जो पीटीआई का सपोर्टर था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो इस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि चीज़ चली, और ये जब जो टिनोर उनका सितंबर से शुरू हुआ तो उनको जो है वो, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब का कैम्प कमज़ोर होता गया, एजाज़ुल अहसन को भी रिज़ाइन हो गए कर दिया, मज़ाहर नकवी को जॉइंट एफर्ट से निकाला, उसके बाद ये था कि जी अब सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं रहेगी, काजी साहब बड़े मजबूत हो जाएंगे ये। लेकिन वहाँ मसला ये आता है कि जिस तरह इमरान खान की 3 सज़ाएँ 5 दिनों में हुई, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत मई में लिखा है जी कि हमारे साथ जो हो रहा है हमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए, आमिर फारूक भी खामोश, सुप्रीम कोर्ट
और जुडिशरी जो है वो बिल्कुल खामोश रही। हम कंप्लिसिट का वर्ड तो पता नहीं अब क्या है, इसे यहाँ यूज़ करना चाहिए या नहीं, लेकिन यह है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, उसको चाहिए ये था कि वो इंडिपेंडेंट रहती, वो किसी का अलाकार ना बनती, या पूरी अदालत जो है हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशरी। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो 9 मई के बाद जो इकदाम थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ख़राब किया, पूरे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम जुडिशरी ने ख़राब किया। अब कई साहब को मैं समझता हूँ कि उसमें जो 13 जनवरी का फैसला है, वो फैसला अगर वो ना देते तो पीटीआई जानती है और एस्टैब्लिशमेंट, वो उन्होंने जितना एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का क्लैश चल रहा था वो अपनी झोली में डाल दी कि जी मुझे भी हिस्सा दें, मैं भी इसमें तैयार हूँ। जनवरी 13 का फैसला उन्होंने एक किस्म का प्रैक्टिकली एक जमात को एलिमिनेट कर दिया। और मैं उस वक्त ही जो मेरी उनसे जब यानी जो कई साहब से जो सवालात उठाए उनकी पूरे है वो 13 जनवरी पे है कि 13 जनवरी जो है इतना बड़ा जुल्म आप अपने साथ भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के साथ भी कर रहे हैं, सिस्टम के साथ भी कर रहे हैं, कि आप साकिब निसार को लोग भूल गए हैं। साकिब निसार पे तो था ना कि जी वो इस्तेमाल हुई है या जो भी हो गया है जी कि नून को निकालने में और पीटीआई को लाने में। तो अब आप 2024 का इलेक्शन में अगर आप ये 13 जनवरी ना देते तो कोई ये ना कहता। खैर वो हो गया, उसके बाद इंटरफेरेंस का मामले पे लेटर आता है 6 जजेस, उसको आपने काजी साहब ने पर्सनल इशू बना लिया। उसमें जिस सत्र में नला बीच में उनसे खिलाफ करते हैं खुल के, तो वहाँ वो अपने कैंप से भी उनको जो है रेजिस्टेंस का सामना आता है। जैसे मंसूर अली शाह शुरू में उनके साथ होते हैं, बाद में वो भी हो जाते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब जस्टिस इसका टाइम होता है, मखसूस नशस्तों का मामला, इसमें क्लैश ज़्यादा बनता है कि जब हुकूमती लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी कि सारी तबाही तो काई साहब ने खुद की, इस ये केस लगाने की ज़रूरत क्या थी जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच। अब हुकूमत से क्या चाहते हैं, उनको चाहिए नहीं था कि वो अपने पास लगाते, ये वो अपने हिसाब से करते। अब काई साहब मेरा ख्याल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये जो मखसूस नशस्तें 78 जो माले गनीमत मिली हैं इनको वो सस्पेंड कर देंगे। जब सस्पेंड की 1.5 महीना वो चले गए, 1.5 महीना के बाद केस लगा, उन्होंने जो वो डेट भी दे दी थी उस पर भी बगैर ये लगा होगा कि लंबी डेट दे दी, वहाँ हालात ख़राब हुए। अब मसला ये है कि जब ये 3 साल हर जज को देने वाली बात थी तो क्या ये मैं आपको यानी हुकूमती लोगों से जो हमें उस वक्त बताया गया था वो ये था कि जी पहले तो ये था कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है 3 दिन, बाद में मशावरत हुई सीनियर जजेस सब ने कहा जी, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, जब हुकूमत ने शेयर किया या उन्होंने बताया कि सर हर सारे जजेस को 3-3 साल दे दें, उसमें ये आन बोर्ड थे, काजी साहब के साथ दूसरे जजेस भी आन बोर्ड थे, 3 साल दे दें, ये वो कर दें वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि काजी साहब और सीनियर जजेस में जो मिसट्रस्ट है वो उसकी वजह से किसी ने इस मामले पर रिस्क नहीं लिया कि जो है वो किसी तरह भी 3 साल हो। अब जो रिज़र्व सीट का केस है उसमें एक तो बिल्कुल जो वो आइन की इंटरप्रिटेशन है, पीपल मैंडेट जिसको होता है वो मिले, चीज़ें ठीक की गई हैं। अब लोगों ने कहा जी कि वो मामला सामने नहीं था, लेकिन क्या मखसूस नशस्तें जो माले गनीमत है वो पीपल्स पार्टी नून को कैसे मिल सकता है। अब ये पीटीआई को जी पीटीआई का मामला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी इस मामले में नहीं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसको इधर नहीं जाना चाहिए था, पीटीआई को सीटें नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उनको भी नहीं देनी चाहिए थी, खाली छोड़ देना चाहिए था, ये गलत हुआ है, खाली छोड़ देना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि ये हर एक की राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक तो अब उनका जो डिटेल रीज़न आएगी वो उससे पता चलेगा कि वो किस ग्राउंड पर ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि 2024 का इलेक्शन बड़ा गलत हुआ, जनवरी 13 की इंटरप्रिटेशन फिर सुप्रीम कोर्ट खुद कहा कि ठीक नहीं हुई, हमने कब कहा था कि पीटीआई एलिमिनेट हो गई है, वो लोग पीटीआई ज्वाइन कर सकते थे और दोबारा उनको मखसूस नशस्तें मिल सकती थी। तो अब ये है कि हालात ये बन गए हैं कि जो इस वक्त जुडिशल पॉलिटिक्स है, जैसे मैंने बताया कि वो मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद मज़ीद इंटेंसीफाई हुई है, नाराज़गियाँ बढ़ गई हैं। जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस मंसूर अली शाह कि जिस तरह देख रहे हैं ये सीनियर जजेस के साथ इख्तलाफ बढ़े हैं। सबसे पहला इख्तलाफ तो ये हुआ कि जो रिव्यू जल्दी लगाएं काजी साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं समर वेकेशन के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि अरशद शरीफ के केस में भी इख्तलाफ आता है। चलिए इख्तलाफ देखिए इख्तलाफ आने चाहिए लेकिन झगड़े नहीं होने चाहिए। जब झगड़े शुरू हो जाएंगे और जो है वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी एक दूसरे के खिलाफ वो बहुत ख़तरनाक है। तो खैर वो जब
ये मामला अगर आप देखते हैं, उसके बाद जो कमेटी है एडीआर की, मंसूर अली शाह, वहाँ से उनको रिप्लेस करके दूसरे जजेस को, यही अफरीदी और दूसरों को ले आए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी कई इकदाम ऐसे होते हैं जो अजीब और गरीब किस्म के। तो अब जो है कि अब सूरत हाल ये है कि जी हुकूमत तो जो इस तरह की एक्टिव एक्शन उनके लग रहे हैं वो तो ये है कि जी मखसूस नशस्तों का जो पीटीआई को ना मिले और फिर ये मिले और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सके, हुकूमत का यही ख्वाहिश है। लेकिन हुकूमत में एक तबका है जो अभी भी जैसे मंसूर अली शाह के हक़ में है और वो समझते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हमें सितंबर की छुट्टियां समर वेकेशन से पहले हो देनी चाहिए, यानी उस वक्त समर वेकेशन ख़त्म हो तो उस वक्त कर देना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए, वो बात हो रही है कि जिस तो ये एक है कि हुकूमत में तकसीम है इस मामले में कि जैसे काजी फैसल के साथ चला जाए या जो भी, लेकिन एक क्राइसिस तो बना हुआ है। अब इन हालात में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को यूनिटी की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट में जब बाहर से बात हो रही है, लेकिन बाहर ये लग रहा है कि इंटरनल लड़ाई है और हुकूमत जो है वो एक फरीक के साथ है, पीटीआई एक फरीक के साथ है, लड़ाई जैसे लग रहा है कि सुप्रीम जो प्राइमरी प्लेयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। अब सुप्रीम कोर्ट में बाल कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे अब जो है वो यूनिटी कैसे मेंटेन करती है, यूनिटी के चांस तो मुझे नहीं लग रहा। और ये जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और जो झगड़े हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं और ये मज़ीद बढ़ेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आइडियली ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज साहब बीइंग ए हेड कुछ स्टेप्स लें जिससे ये एक हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक इस वक्त एक क्राइसिस बना हुआ है और जो तकसीम है और जुडिशल पॉलिटिक्स है वो ख़त्म, और उसके लिए उनको कुर्बानी देनी होगी, वो कोई अपने एक जो वो करें। अब ये है कि वो कुर्बानी अब देते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। अगर वो नहीं देते तो मेरे ख्याल में फिर तो क्लैश मज़ीद बढ़ेगा, हुकूमत में तकसीम है, ग्रुप दोनों बड़े मुतमैन हैं, जैसे काजी फैसा और वो रिव्यू के लिए एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी जो साइड है वो भी 8 जजेज या दो वो भी हैं, यानी कॉन्फिडेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे या कंटिन्यूटी रहेगी, इस पे ही सारी गेम सारी पॉलिटिक्स इसी गर्द हो रही है। तो अब इस पे इकदाम हो रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं, पार्लियामेंट ने अब एक चाल चली है एक्ट में तरमीम की, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी जो है वो मूव करती है, किस तरफ चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को एक ही मसला है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट से मजबूत इदारा पाकिस्तान में नहीं है, वो है तकसीम। और तकसीम ये नहीं है कि सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इंटरेस्ट की लड़ाई भी बगैर ये लग रहा है एलिजिडली मुबैना तौर पे ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मफादात की क्लैश चल रहा है और इसमें दोनों साइड के होंगे ये भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है वो अब जस्टिस काजी फैज साहब अगर इस पोजिशन वो इसी तरह चलते हैं और हुकूमत भी चलती है तो क्लैश तो वाजे होगा, और अब देखते हैं कि इसमें कौन प्रिवेल करेगा। लेकिन अब अगला जो सुप्रीम कोर्ट का जो है मामला कि वो अब क्या स्टेप लेते हैं, कौन सी कोई डेवलपमेंट होती है जिससे आगे फिर क्या मूव होती है, ये अब एक आध कल आज परसों आज या कल मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त बगैर ये लग रहा है कि उसके पास एक तरफ इलेक्शन एक्ट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन का रोल भी इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन का जो हम कंडक्ट है वो उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इन हालात में कैसे जाती है, रिव्यू भी फाइल होने जा रहा है सुना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो डिटेल रीजनिंग जो है वो डिले होगी गालबन, मे बी हो भी आ भी जाए, अब देखते हैं कि उस तरफ किस तरफ यानी डिटेल रीजन में क्या होता है, क्या चीज़ मेंशन होती है। जमाल मंदोखिल साहब और काजी फैसल साहब का नोट भी फिर आएगा, तो देखते हैं किस तरफ चीज़ें चलती हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट उस है कमज़ोरी, उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है और तकसीम सिर्फ जो है वो सिर्फ ओपिनियन की नहीं है, ये तकसीम इस तरह के क्लैश है किस्म का जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को काजी फैसल साहब ऐसे ही छोड़ते हैं या कोई यूनाइट करने की वो सुप्रीम कोर्ट को कोशिश करते हैं,
देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हुकूमत जो है वो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो चाह रही है कि अगर कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट फ्रस्ट्रेट होकर कोई ऐसा फासला काम करे तो फिर हमें नैरेटिव मिल जाएगा, हम क्यों निकाला नंबर टू शुरू हो जाएंगे। तो अब जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं 8 जजेस, उनको भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा काम करें जिसमें ना वो जो वो हुकूमत को कोई बहुत बड़ा नैरेटिव दें और अपना आर्डर भी इम्प्लीमेंट करें। तो देखते हैं कि क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।